duper genius. Meow. क्या हुआ अभी? तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? चल गुरु, हो जा शुरू। ओए, ये नारियल कहाँ से गिर रहे हैं? चड्डा अंकल। ओए वीर, बचाओ, ये मेरे ऊपर कहाँ से आ गए? उतारो इन्हें। कोई रोको इसे। चुलबुल रुक जाओ। अचानक इस तरह अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम तो कभी किसी को परेशान नहीं करते। पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। कर रहा है कहीं वीर की इस बिहेवियर के पीछे उसका हाथ तो नहीं? दादाजी को बुलाना होगा। कम ऑन, लेट्स डांस विद द म्यूजिक। दादाजी, वो देखिए, वीर आज कैसे बिहेव कर रहा है। मैंने टिम्बकटू को यहाँ देखा था, जरूर उसी ने वीर को कुछ कर दिया है। वीर का दिमाग उसके बस में नहीं है, उसे घर लेकर चलना होगा। वीर, इधर आओ वीर। तो हमें ये डायमंड उस चोर से किसी भी हालत में बचाना है। वो ये डायमंड चोरी कर ही नहीं पाएगा। वो कैसे? उसे पता ही नहीं चलेगा कि असली डायमंड कहाँ है। ये देखो। इसे मैं लूंगा, मैं लूंगा। हीरे, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मुझे दो, मेरा है, छोड़ दो। जिंटू, ये क्या कर रहे हो तुम? असली हीरा मेरे पास है। चोर अब नकली हीरा लेकर चला जाएगा और फिर हम असली हीरा वापस रख देंगे। जिंटू, हम ऐसा जादू नहीं कर सकते। क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चल जाए कि मेरे पास एक जिन है? सब कुछ वैसे करो जैसे पहले था। ओके बॉस, जैसा तुम कहो। टाइम खत्म हो गया है, प्लीज सब बाहर जाइए। कल सुबह 10 बजे फिर एग्जीबिशन खुलेगा। ये देखना होगा कि यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम क्या लगा है। घबराने की कोई बात नहीं है। रेड डायमंड के चारों तरफ अदृश्य लेजर बीम्स है।
कोई भी उनके पास तक नहीं पहुंच सकता। देखते हैं नटवर लाल कैसे ये हीरे की चोरी करता है। सबके जाने के बाद चोरी करेगा। चलो एग्जीबिशन से देख अपने नहीं आते। तुम दादाजी से पूछो, वही बताएंगे। वीर, तुम एक रोबोट हो और रोबोट को सपने नहीं आते। मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन दादाजी, मुझे आज ही सपने देखने हैं। जिंटू को बुलाओ, अब वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। तक दिना दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बेन। तक दिना दिन। जिंटू, वीर को सपने नहीं आते, वो और बच्चों की तरह सपने देखना चाहता है। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी सपने दिखा देता हूँ चुटकी बजा के। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, वीर को सपने रात में आए झमझमाझम। दादाजी, आज मैंने सपना देखा, कितना मजा आ रहा था। अच्छा, जरा बताओ तो क्या सपना देखा। मैंने देखा कि आप टोकरी भर के गाजर चुलबुल को दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक गाजर लेकर डाइनिंग टेबल पे बैठ के फोर्क और नाइफ से उसे खाता है। कहीं सपने में ये टोकरा तो नहीं देखा था। हाँ दादाजी, ऐसा ही था। चुलबुल, ये लो तुम्हारे लिए इतनी सारी गाजर। दादाजी, बस एक ही खाऊंगा, मेरा थोड़ा पेट खराब है। दादाजी, मैंने तो यही सपना देखा था, ये सच कैसे हो गया? एकदम यही सपना देखा था मैंने। कहीं जिंटू के जादू की वजह से सपने की जगह तुम फ्यूचर तो नहीं देख रहे? अगर ये बात है तो इमली के गांव को बचाना होगा। मैंने सपना देखा कि इमली के गांव में टीडीएन ने हमला कर दिया है और सारी फसल खाने जा रही है। वीर, मेरी मम्मी बहुत परेशान है, पापा ऑफिस के काम से टूर पे गए हैं और गांव वालों ने फोन पे खबर दी है कि टीडीएन आने वाली है। जिंटू, जल्दी से कुछ करो, इमली के खेतों की फसल को टीडीएन से बचाओ। ये लो, हो गया काम। क्या किया तुमने? वो टीडीएन गांव से यहाँ बुला ली है, यहाँ फसल ही नहीं मिलेगी तो कराएंगे। वाह, मैड मैक्स इज ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। क्या हुआ बॉस, आप अचानक इतना खुश क्यों हो गए? फुर्सतगंज में रोबोट एग्जीबिशन है तो प्रेम सहाय और उसका रोबोट वहाँ जरूर आएंगे। तुम मेरा ये मैग्नेटिक रोबोट लेकर जाना। जैसे ही डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट वहाँ आए, इस रोबोट को कमांड देना। है। हाँ इमली, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। वीर बेटा, सब रोबोट्स को ध्यान से देख के उनके सिस्टम को स्टडी करो,
ये सब इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी काम आती ही है। वो देखो, प्रेम सहाय का रोबोट ब्लू जैकेट में, उसे पकड़ लो। कोई रोको उस रोबोट को। छोड़ दो, वीर को छोड़ दो। इमली उसका पैर छोड़ दो, इमली छोड़ दो उसे। आने वाले हैं, चिप मिली कि नहीं? चिप कहीं भी नहीं दिख रही। वीर अपना एक्सरे विजन यूज करो, चिप किसी सामान के पीछे होगी तो दिख जाएगी। ओके इमली, मैं भी वही करने की सोच रहा था। वो चिप तुम्हारे दांतों के अंदर है, वहाँ कैसे गई? क्या पता, हो सकता है पेस्ट्री के साथ मुंह में चली गई हो। अभी निकालता हूँ चुटकी बजा के। मेरा जादू मेरे मुंह के अंदर असर नहीं कर रहा, अब क्या करूँ? वीर जल्दी करो, मंत्री जी की कार आ रही है, सब गेट पर खड़े हैं। दादाजी, चिप मिल गई है। वो जिंटू के दांतों के अंदर है और वो उसे जादू से नहीं निकाल पा रहा। तुम कुछ भी करो, चिप जल्दी ढूंढो, तभी हमें उस आदमी का पता चलेगा जो ब्लास्ट करने वाला है। जिंटू, तुम हमें छोटा करके मुंह के अंदर भेज दो, हम जाके चिप ले आएंगे। अभी करता हूँ चुटकी बजा के। जिंटू, हमें चबा के खा मत जाना, मुझे तो डर लग रहा है। वीर, कितनी बुरी गंध आ रही है इसके मुंह के अंदर। जिंटू, तुम ब्रश नहीं करते क्या? मुंह में कितनी बैड स्मेल है। वो रही चिप उस दांत के अंदर। जिंटू के दांत में कितने जर्म्स हैं? ये बिल्कुल भी ब्रश नहीं करता, सिर्फ खाता ही रहता है। दोस्तों, वो देखो कोई अजनबी आए हैं, खत्म कर दो उन्हें, ये हमारा इलाका है। इनकी इतनी हिम्मत, मैं अभी इन्हें ठीक करता हूँ। वीर, मंत्री जी आ चुके हैं, जल्दी करो, चिप मिली कि नहीं? दादाजी, चिप। ऐसे आइडिया मुझे क्यों नहीं आते? अब वीर नहीं बचेगा। क्या हुआ बॉस? तुम्हें उसका नाम मालूम था तो आज तक बताया क्यों नहीं? जाओ और वीर को पकड़ के ले आओ। इमली, देखना, हमारा प्लेन ही जीतेगा। वीर, मैं भी एक प्लेन उड़ाऊं? नो जिंटू, एक बार कहा ना नो। Huh?
वो गया इमली का प्लेन। मिला हाथ। पंडित चीटिंग कर रहा है, उसके दोस्तों ने मेरा प्लेन गिराया है। मैं अभी उसे मजा चकाता हूँ चुटकी बजा के। प्लेन मेरा पीछा कर रहा है, बचाओ! जॉन, मैडम, हेल्प! स्विंग सूट ऑन। स्विंग सूट ऑन। जादू मत करो, वापस आओ। ये सब क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा, तुम इस तरह जादू नहीं दिखा सकते। हाँ? तुमने ये कैसे किया? जिंटू सब ठीक करो और बंटी को सब कुछ भुला दो। अगड़म बगड़म आलम फालम या तुम्हारी खो जाए, अब तक जो भी देखा तुमने या तुम्हें ना को चाहे। वीर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कंपटीशन तो दूसरे ग्राउंड में है। सबको करंट मारता है और रेस फेंकता है। सब कुछ ये इन ग्लव्स से ही कर रहा है। इन ग्लव्स को अभी निकाल देता हूँ। तुमने ठीक पहचाना वीर, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? ये तो होश में है। इमली, मेरी सारी एनर्जी इसके बदन में जा रही है, कुछ करो। मेरे वीर को छोड़ दो। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां नेचुरल ब्यूटी खूब है। तुम होश में हो? अगर तुम बेहोश होने की एक्टिंग कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ये क्या, हेलीकॉप्टर की सारी पावर्स खत्म हो गई है? जीरो पावर्स। मेडे मेडे।